देव, देव अधिकारी मुझे नहीं पता कितने लोग बोलते होंगे, लेकिन देव नाम जो है बंगाल में एक बहुत बड़ा नाम है और ये एक ऐसा सुपरस्टार है कि गांव में हर घर के अंदर में इसका एक पोस्टर तो मिलना जरूरी है। यकीन नहीं होता ना कि कोई इतना बड़ा भी सुपरस्टार है जो कि भाई अननोन तरीके से है। हाँ, वेस्ट बंगाल में है और खास करके गांव साइड के लोग जो है ना इसके डाई हार्ट फैन हुआ करते थे। अब ये हुआ करते थे क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये बंदा जो है एक फिल्म किया, फिल्म का नाम था आई लव यू, जो कि साउथ की ही एक रीमेक थी, लेकिन ये फिल्म करने के बाद बंदा लड़कियों पे ऐसा छाया कि हर लड़की को बस देव जैसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए था, देव जैसा ही लुक्स चाहिए थे, उसके जैसे कर्ली हेयर है बिल्कुल वैसे ही चाहिए था। तो देव का स्टार्डम ये है। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्यों कहा कि ऐसा हुआ करता था, इसके पीछे का रीजन ये है कि बंगाली सुपरस्टार देव जब ऐसी मूवीज कर रहा था तब जो है पब्लिक इस पे एकदम लुट सी जाती थी। उसके बाद से एक फेज आता है जहां पे देव अधिकारी ये सोचते हैं कि मैंने इस तरह की मूवीज तो मैंने बहुत कर लिए, जैसे कि बोलो ना तुमी आमार, चैलेंज, चैंपियन, ये सारे मूवी तो कर लिए हैं, लेकिन अब जो है कुछ अलग करने की बारी है। मैंने उसमें से देखा बोनू हाश, अमेजोन, चांदेर पहाड़, ऐसे कुछ मूवीज देखने के बाद मैंने बोला कि नहीं, ये भाई साहब सिर्फ ओवर एक्टिंग नहीं करते हैं, ये भाई साहब कुछ अलग भी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। और आज नतीजा ये निकल करके आया कि हमारे सामने में दो बड़ी मूवी लेकर के आने वाले हैं, जिसमें से एक का जो है पोस्टर रिवील कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ बाघा जतिन की, और इसके अलावा जो है ब्योमकेश। तो ब्योमकेश की बात अभी नहीं करूंगा, अभी बात करूंगा बाघा जतिन के बारे में। और बाघा जतिन का जब पोस्टर देखा तो सबसे पहले मुझे लगा कि शायद कोई और है, जो फर्स्ट एक पोस्टर आया था देव की तरफ से जिसमें वो साधु बना हुआ कोई है, और उसको देखने के बाद जरा भी यकीन नहीं हुआ कि ये देव है। और अमेजिंग भाई, ये जो है कुछ अलग लेवल पे जा रहा है। इसके बाद से आई बाघा जतिन की एक पोस्टर, जिसको देखने के बाद मैं शॉक्ड था कि अब जो है मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ अपने चैनल पे, और वो रीजन है सिर्फ और सिर्फ बाघा जतिन का ये पोस्टर। क्योंकि पोस्टर के ऊपर में जो आप बाघा जतिन लिखा हुआ देख रहे हो उसका एक हिस्सा तो बंगाली में है, लेकिन दूसरा हिस्सा जतिन वो हिंदी में है। इसका मतलब जो है पूरे तरह से बता दिया जा रहा है कि ये मूवी बंगाली और हिंदी दोनों में आएगी, यानी एक पैन इंडिया रिलीज होने जा रही है। इससे पहले जो अटेम्प्ट किया गया था वो जीत की तरफ से था, फिल्म का नाम था चंगेज। चंगेज जो थी वो सलमान खान के ऑपोजिट में आकर के खड़ी हो गई, यानी ईद के दिन ही रिलीज हुई थी 21 अप्रैल को, और वो मूवी जो है कुछ उतना खास नहीं कर पाई थी, लेकिन टॉक ऑफ द टाउन हो चुकी थी बॉस। हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा था, हर कोई बंगाल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा था, हर कोई जो है जीत के इस अटेम्प्ट को जो है बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा था, क्योंकि ये बंगाली की तरफ से फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा था कि एक मूवी जो कि 4 से 5 करोड़ में बनी है वो ऑल ओवर द इंडिया हिंदी में भी रिलीज होने जा रही थी। कहीं कहीं पे ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा स्क्रीन्स नहीं मिले, लेकिन नेक्स्ट वीक जो है मतलब भाईजान मूवी का जो रिजल्ट आया और उसके बाद से जो नेक्स्ट वीक है वो एक अच्छा सर्वाइव कर पाई, लेकिन हाँ उतनी भी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हुई। लेकिन अब बारी है देव की। देव जो है अपनी फिल्म को हिंदी में भी लाने वाले हैं, तो क्या वो इसी तरीके से इसको प्रमोट करेंगे? और दूसरी चीज, कुछ लोगों का कहना है कि ये केसरिया मूवी से जो है फुल ऑन कॉपी टू कॉपी लग रहा है, लेकिन बॉस ये कॉपी नहीं है। यहाँ पे जो कहानी है और जो कैरेक्टर प्ले किया जा रहा है उसमें कोई रास्ता नहीं है कि वो ऐसा लुक ना रखे, क्योंकि एक पंजाबी इंसान है, अगर वो सर में पग बांध रहा है तो बांध रहा है। एक पंजाबी इंसान हमेशा अस्सी तुस्सी करके ही बात करेगा ना, या उसको किसी और तरह से बात करेगा ताकि कॉपी ना लगे। तो बॉस ये सारी चीज को प्लीज साइड रखो, और ये बताओ कि देव की जो ये मूवी आ रही है वो आपको कितना ज्यादा एक्साइटेड कर रही है कि भाई आप जो है इसको हिंदी में देखने के लिए बेकरार हो। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी जब चंगेज को हिंदी में देख रहा था। इस बार जो है देव की तरफ से हिंदी में थिएटर में आने वाली है मूवी, वरना इससे पहले जो है हुक्का 420 यूटीवी बिंदासो में देख रहा था और मैं शॉक था कि एक बंगाली मूवी जो है वो हिंदी में दिखाया जा रहा है, कैसे हिंदी डब करके मतलब हमें क्यों दिखाया जा रहा है, और इतना बड़ा स्टारडम आ चुका है क्या देव के पास में। तो भाई इससे पहले हिंदी में जो है अटेम्प्ट हो चुका है देव की मूवीज के साथ में, और देव ने जो है हाल फिलहाल ही अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी पूरी मूवी को जो है वो हिंदी डब में रिलीज कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब यूट्यूब पे। तो अभी आप बताओ आपका क्या टेक है। दैट वाज माय रिएक्शन फॉर दिस पोस्टर, व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।